हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हमारे चैप्टर का नेम है। और अभी तक आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी इस साइट पर एक्सप्लेनेशन वाला लिंक मिलेगा, आप लोग क्लिक करिए और वहाँ तक पहुँच जाएंगे उस वीडियो तक। और फिर शॉर्ट वीडियो वाला अगर आपको लिंक चाहिए तो इधर साइड पे मिलेगा, ठीक है, तो उसे भी देख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपने पूरे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट पूरी वीडियो देख ली तो आप लोग को एग्ज़ाम में कहीं से भी थोड़ा सा भी नहीं छूटेगा कि एक भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं होगा कि आपको आए ना, सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे ही चैनल पे आपको क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी और पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा चैनल, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा स्टडी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, तो पूछिए और मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिपरेशन डिड नरेटर मेक फॉर हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयस, यानी कि जो कैप्टन थे वो दुनिया का चक्कर लगाने, दुनिया घूमने के लिए ये जो यात्रा थी इसके लिए क्या क्या उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या क्या तैयारियाँ की इस यात्रा के लिए। तो आंसर है हमारा, द कैप्टन एंड हिज वाइफ मैरी हैड बीन ड्रीमिंग फॉर लॉन्ग ऑफ सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड। जो कैप्टन थे और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने काफ़ी लंबे समय से उन्होंने ये सपना देखा था, समुद्र पूरी दुनिया घूमने का, समुद्र की यात्रा करने का इसका सपना देखा था। दे वॉन्टेड टू डुप्लीकेट द वॉयज ऑफ कैप्टन जेम्स कुक अंडरटेकन 200 ईयर्स एगो, और वे चाहते थे कि जो आज से 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने भी ऐसी ही एक यात्रा करी थी जिसमें उन्होंने एक पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, इस वजह से वो काफ़ी फेमस एक्सप्लोरर बन गए थे। और ठीक इसी तरह से वो भी इसी यात्रा का दोहराव करना चाहते थे, डुप्लीकेट यात्रा करना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि वो भी कैप्टन जेम्स कुक की तरह ही वो भी एक फेमस एक्सप्लोरर बन जाए समुद्री यात्रा के थ्रू। ठीक है, द नरेटर या फिर उन्हें कैप्टन कहें, मैंने कई बार कोई स्टोरी में बताया कि इस जगह पे नरेटर शब्द का भी यूज़ किया गया, तो इसका मतलब ये है कि नरेटर कैप्टन को कहा जा रहा है। ठीक है, मुख्य बात हमारे कैप्टन है जो उनके बारे में बता रहे हैं कि द कैप्टन वॉज आर 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, यानी कि जो कैप्टन थे वो 37 वर्षीय व्यवसायी थे। फॉर 16 ईयर दे स्पेंट ऑल देयर टाइम लर्निंग टू द स्किल्स ऑफ नेविगेशन, और लगभग उन्होंने 16 सालों तक उनके पास जितना भी खाली समय हुआ करता था उस खाली समय में अक्सर वो समुद्री कौशल को और भी बेहतरीन करने में यूज़ करते थे। दे बिल्ट अ बोर्ड, उन्होंने एक बोर्ड बनाई वेववॉकर, जिसका नेम था वेववॉकर, विच वॉज 23 मीटर लॉन्ग एंड 30 टन्स इन वेट, और वो नाव 23 मीटर लंबी थी, 30 टन भारी थी। इट हैड अ वुडन लोअर पार्ट, और उस नाव का निचला हिस्सा, जो निचला जो हिस्सा होता है वो लकड़ी का बना हुआ था। बट इट वॉज फिटेड आउट वेल एंड टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर, और तो और उन्होंने उस नाव को फिटिंग करने के लिए काफ़ी महीने लगा दिए और उस नाव को काफ़ी ख़राब से ख़राब मौसम में उसका परीक्षण भी लिया गया। ही कैरिड स्पेयर पंप्स टू मीट एनी डिजास्टर, और उन्होंने किसी भी आपदा से लड़ने के लिए उन्होंने अतिरिक्त पंप भी लिए थे, यानी एक्स्ट्रा पंप ले रखे थे। ही न्यू दैट द साउथर्न इंडियन ओशन वाज वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, और वो बहुत ही अच्छे से जानते थे कि ये जो साउथर्न इंडियन ओशन यानी दक्षिणी हिंद महासागर है वो पूरी दुनिया का सबसे उग्रवादी समुद्र है। विथ फोरसाइट ही हायर्ड टू क्रूमैन टू हेल्प इन कॉन्क्योर द रफेस्ट सी इन द वर्ल्ड द साउथर्न इंडियन ओशियन बिफोर ही लेफ्ट केप टाउन टू गो ईस्ट वर्ल्ड, और उन्होंने केप टाउन से पूरब की ओर जाने से पहले, उन्होंने साउथर्न इंडियन ओशियन की तरफ जाने से पहले उन्होंने 2 नाविकों की व्यवस्था कर ली मदद के लिए। उन्होंने 2 नाविकों को हायर किया, अपने नाव में काम के लिए रख लिया, जिससे कि जब साउथर्न इंडियन ओशन पहुंचेंगे और जब भी कोई भी लहरें आएगी और जिसका सामना करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लोगों की और भी अतिरिक्त लोगों की, तो उस समय पर ये 2 नाविक हमारी मदद कर पाएंगे। ठीक है, सच प्रीकॉशन हेल्प टू द वॉयजर्स सर्वाइव द डिजास्टर, यानी कि इन यही सब चीज़ें हैं जिनका
जिन चीज़ों की यही सारी सावधानियाँ हैं, जिनकी मदद से ये जो यात्री थे ये इस आपदा से बच गए। नहीं तो अगर ऐसी सावधानियाँ अगर ये लोग ना बरतते तो फिर ये लोग की जान जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट इंस्पायर्ड द ऑथर टू अंडरटेक सच अ रिस्की वॉयज, वॉट वॉज हिज एक्सपीरियंस। यानी कि ये जो जोखिम भरी कैप्टन ने जो जोखिम भरी यात्रा करने का जो निर्णय लिया है वो कहाँ से, इसका मतलब क्या इंस्पायरेशन, क्या मतलब ये निर्णय कैसे आया, उनके दिमाग में आया कैसे इतनी जोखिम भरी यात्रा करने का आइडिया कैसे आया, और वॉट वॉज हिज एक्सपीरियंस, और उनका इस यात्रा का कैसा अनुभव रहा। द नरेटर वॉज अ यंग बिजनेसमैन, यानी कि जो कैप्टन थे वो एक युवा व्यवसायी थे, बट ही नज्ड अ ड्रीम टू डू समथिंग बिग। और जो कैप्टन थे ना वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे, टू गो राउंड द बर्ड इन अ बोट, और उन्होंने सपना ये देखा था कि भाई मैं नाव से पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, समुद्र में पूरा एक एक तरफ एक कोने से दूसरे कोने तक मैं जाऊंगा, जैसे जेम्स कुक ने किया था वैसे ही सेम टू सेम मैं डुप्लीकेट यात्रा करूंगा। ही वांटेड टू डुप्लीकेट द अचीवमेंट ऑफ कैप्टन जेम्स कुक हु हैड मेड द रिकॉर्ड 200 ईयर्स एगो, और वो चाहते थे एक बिल्कुल जेम्स कुक की तरह ही, जो कि जेम्स कुक ने 200 साल पहले जैसा रिकॉर्ड बनाया था पूरे समुद्र में घूमने का, ठीक ऐसा ही रिकॉर्ड वो भी बनाना चाहते हैं, ऐसे ही वो अचीवमेंट बिल्कुल जैसे जेम्स कुक ने अचीवमेंट अपनी ली थी, अचीवमेंट उन्होंने गेन करी थी, ठीक वैसे ही वो भी गेन करना चाहते पाना चाहते हैं वैसी सफलता। ही वॉज अ ड्रीमर, और वो बहुत ही ये सपना देखते हैं, एंड एडवेंचर एंड फाइटर टू द बोन, और वो एक ऐसे एडवेंचर का सपना देखते हैं जो कि जिसमें वो लड़ाई करेंगे आप किसी समुद्री तूफान से, किसी समुद्री आंधी से, इन सब चीज़ों से। द सी वॉज रिस्की, और ये जो समुद्री यात्रा थी वो बहुत ही जोखिम भरी थी। द साउथर्न इंडियन ओशियन वॉज डेंजरस, दक्षिणी हिंद महासागर जो है वो बहुत ही खतरनाक है। येट नथिंग कुड डैम्पन हिज स्पिरिट, और ये सब कुछ भी ऐसा नहीं था, तो मतलब कि इस पूरी यात्रा के दौरान उन लोगों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और उन्होंने लगातार वो लोग डटे रहे। द एक्सपीरियंस इन द सी वर वेरी बैड, और ये जो समुद्री यात्रा का जो भी अनुभव था वो बहुत ही बुरा था। ही एंड हिज फैमिली हैड अ नैरो एस्केप, और वो और उनकी जो फैमिली थी बहुत ही मुश्किल से बच पाए इस समुद्री यात्रा से। द एंग्री सी वेव रोज एज हाई एज हिज 15 meter हाई मेन मास्ट, और ये जो उग्र समुद्र था उसकी जो लहरें थी वो इतनी ऊँची थी कि लगभग जो नाव होता है नाव का मुख्य मेन मास्ट जो होता है मुख्य मस्तूल उसके बराबर था। मुख्य मस्तूल कितना था, 15 meter था, तो वही मुख्य मस्तूल के बराबर था। तो सभी स्टूडेंट्स ये बताइए कि भाई मुख्य मस्तूल किसे कहा जाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, तो आई होप आप लोग अभी तक तो समझ गए होंगे कि मुख्य मस्तूल क्या होता है, हर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहती हूँ कि आप सभी एक्सप्लेन करें, अब मुझे एक्सप्लेन करें कि आप लोग मुख्य मस्तूल के बारे में क्या जानते हैं, क्या है मुख्य मस्तूल, ठीक है, नाव के किस पार्ट को किस भाग को मुख्य मस्तूल कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आप सभी के आंसर का इंतज़ार करूँगी, आई होप आप सभी आंसर्स देंगे, ओके। फिर हम लोगों का ये, हाँ ये पैराग्राफ है, द वेव स्लिप्ड ओपन अ होल ऑन द डेक, और इस जो लहर थी लहर की वजह से डेक में भी होल हो गया था। और एक क्वेश्चन और भी है कि सभी स्टूडेंट डेक के बारे में भी बताइए कि डेक का मीन्स क्या, नाव के किस पार्ट को डेक कहा जाता है इसके बारे में बताइए, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए और डेक के बारे में बताइए, ठीक है। द वेव डैमेज्ड द साइड बोर्ड एंड प्लैंक, और जो लहर थी उसने नाव के साइड बोर्ड को और प्लैंक को, जो नाव का जो साइड बोर्ड वाला साइड का जो हिस्सा होता है ना उसको, और जो नीचे का हिस्सा होता है प्लैंक उसको डैमेज कर दिया था। नॉट ओनली दैट द नेटा वॉज पैड हर्ट एंड वॉज ब्लीडिंग, जो मतलब कि ना कि ये सब तो कुछ भी नहीं था, बल्कि जो कैप्टन थे उनको बहुत बुरी तरह से चोट आती है और साथ साथ उनके खूब ज़्यादा खून भी बहता है। हिज डॉटर्स हु ऑल्सो गॉट बैडली इंजर्ड ऑन द हेड, और साथ ही साथ उनकी जो छोटी सी बेटी होती है उसको भी बहुत बुरी तरह से बहुत ढेर सारी चोटी आई होती है, उनके हेड पर चोट लग जाती है। डेथ सीम्ड सर्टेन, और उनकी जो मृत्यु होती है ना वो पूरी निश्चित हो जाती है कि हाँ भाई इनको लगता है कि बिल्कुल इस बार लोग मर ही जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
द पम्प्स गॉट ब्लॉक्ड एंड एक्स्ट्रा पम्प्स वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, और साथ ही साथ उनके जो पम्प होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा पम्प होते हैं वो भी शॉर्ट आउट हो जाते हैं, और भी मतलब दो और भी एक्स्ट्रा थे वो तो समुद्र में गिर जाते हैं। बट स्टार्स आल्सो फेवर्ड हिज ब्रेव एंड बोल्ड फैमिली एंड दे मैनेज टू सर्वाइव व्हाट सीम्ड लाइक श्योर डेथ। परंतु जो तारे होते हैं ना, जो सौभाग्य होता है वो इनकी तरफ था, क्योंकि उनकी जो बहादुरी थी, जो उनकी साहसी फैमिली थी ना, तो उनकी साहस उनकी बहादुरी को देख करके उनके तारे भी उनकी तरफ हो गए, और इसी वजह से वो लोग अपनी मृत्यु के सामने होने के बावजूद भी वो लोग बच जाते हैं इस समुद्री यात्रा के दौरान, और आसानी से मतलब कि इतनी मुश्किलों भरी यात्रा में इतनी आसानी से वो लोग काफ़ी साहस भरी काम करते हैं और साहस दिखा करके और इस पूरी समुद्री यात्रा को हैंडल करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर कोप विथ एंड सर्वाइव द अटैक बाय हिज एनिमी द साउथर्न इंडियन ओशियन। यानी कि ये जो हमारे कैप्टन है वो अपने दुश्मन यानी कि साउथर्न इंडियन ओशियन से कैसे लड़ते हैं और इसके बारे में वो क्या बताते हैं इसके बारे में। ओके, तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। द नरेटर हैड ऑलरेडी हियर्ड एंड रीड अबाउट द रफ साउथर्न इंडियन ओशियन, और जो कैप्टन थे वो बहुत उन्होंने सुन रखा था और पढ़ भी रखा था कि ये जो दक्षिणी हिंद महासागर है ना वो बहुत ही ज़्यादा उग्रवादी है, बहुत ही तूफानी है, बहुत ही खतरनाक है। सो बिफोर ही लेफ्ट केप टाउन, इसीलिए उन्होंने केप टाउन को छोड़ने से पहले ही टू कॉन टू क्रूमैन फॉर हेल्प, इसी वजह से उन्होंने केप टाउन छोड़ने से पहले मदद के लिए दो नाविकों की और व्यवस्था कर ली, उनको अपने नाव में काम के लिए रख लिया। वन वाज एन अमेरिकन नेम्ड लैरी, और उनमें से एक नाविक अमेरिकी था जिसका नेम था लैरी विगल, एंड द अदर वाज अ स्विस नेम्ड हर्ब, और उनमें से एक दूसरा नाविक था वो स्विट्जरलैंड का था और वो उसका नेम था हर्ब सेगलर। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स बिगैन टू ब्लो एज दे सेट आउट, और जैसे ही वो चलते हैं वैसे ही तूफानी हवा चलने लगती हैं। स्ट्रॉन्ग गेल्स केप्ट ब्लोइंग फॉर डेज, और वो जो तूफानी हवाएं थी, तूफानी आंधी थी, वो बहुत ही तेज़ी से चलती और काफ़ी दिनों तक चलती हैं। बट द नरेटर वॉज रियली अफ्रेड ऑफ द हाई वेव्स विच रोज एज हाई एज द मेन मास्ट, लेकिन जो नरेटर थे यानी कि जो कैप्टन थे वो सचमुच बहुत डरते थे किस चीज़ से, हाई वेव्स यानी कि बहुत जो बड़ी बड़ी जो लहरें थी, लगभग इतनी बड़ी थी, इतनी ऊंची थी कि वो लगभग नाव के मेन मास्ट के बराबर, मेन मास्ट यानी कि मुख्य मस्तूल के बराबर थी। तो आप सभी जानते होंगे कि मुख्य मस्तूल क्या होता है, पहले भी मैंने कई बार बताया, अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि मुख्य मस्तूल क्या होता है। ओके, क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे पास्ट सेफली, और उनका जो क्रिसमस था और नया साल वाला जो दिन था वो बहुत ही मतलब सावधानीपूर्वक चला जाता है, काफ़ी अच्छे से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने क्रिसमस न्यू ईयर को। बट अ गिगेंटिक वेव अटैक्ड द बोट ऑन January 2, लेकिन जो खतरनाक जो लहर होती है वो उसने उनकी नाव पर हमला कर देती है 2 जनवरी वाले दिन। द नरेटर डिड ऑल ही कुड टू फाइट एंड नेस्टेसी, और उन जो कैप्टन होते हैं उनसे जितना हो सकता है वो उतना अपनी तरफ से सब कुछ अपनी हिम्मत लगा देते हैं उस समुद्री यात्रा में, उस समुद्री लहर से हमला, उस समुद्री जो लहर होती है उसका सामना करने के लिए उन्होंने सब कुछ मतलब उनसे जो कुछ हो सकता था उन्होंने लड़ने में किया। ही ड्रॉप टू द स्ट्रॉन्ग जिब एंड पुट ऑन लाइफ जैकेट, और उन्होंने अपना जो पाल था उसको नीचे कर दिया और लाइफ जैकेट को पहन लिया। एट 6 PM शाम के समय 6 बजे द वाइंड ड्रॉप ऑमिशनली, और जो हवा थी वो बहुत ही अजीब तरह से शांत हो गई थी, मतलब उसको वो जो हवा थी ना शांत होना, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान के आने के पहले की ये शांति है। तो समझ गए थे भाई इसके बाद ना अब और भी बड़ा कुछ कांड होने वाला है, अब देखते हैं अब क्या होगा। देन केम अ गेंट वेव विथ थंडर एक्सप्लोशन, और फिर उसके बाद फिर एक इतनी भयंकर लहर आती है जो इतनी बिल्कुल चीखती हुई और चिल्लाती हुई ऐसी लहर आती है। हिज हेड द हिट अगेंस्ट द स्टीयरिंग व्हील, और उस लहर ने कैप्टन को ऐसा पटका कि उनका जो सिर था वो नाव के हैंडल से जाकर के लड़ जाता है। ही वास्ट थ्रू ओवरबोर्ड, वो फेंके जाते हैं नाव की सतह पर,
लहर के द्वारा द बोट वॉज हैड ऑलमोस्ट टर्न्ड अपसाइड डाउन, और जो बोट होती है लगभग उलट सी जाती है। हिज टीथ ब्रोक एंड हिज रिब क्रैक्ड, और उनकी जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, उनकी जो दाएं तरफ की पसलियाँ होती हैं वो भी टूट जाती हैं। बट ही मैनेज टू ग्रैब द रेलिंग, लेकिन वो बड़ी ही मुश्किलों से नाव की जो रेलिंग होती है उसको पकड़ लेते हैं सही समय पर। ही गॉट ऑन बोर्ड, और वो अपनी नाव की मेन जगह पे जाते हैं, जिस जगह पे नाव को हैंडल करने के लिए पूरा सिस्टम था उस जगह पे जाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी नाव के जो मेन हैंडल होता है व्हील उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको कंट्रोल करते हैं नाव को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्प्रिट, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्प्रिट विथ विच ऑल द बॉयज एंड द हेल्पर्स फेस्ड द अप्रोचिंग डेथ। यानी कि ये जो यात्रा है और ये जो यात्री थे, जो यात्री थे और उनके जो दल था, हेल्पिंग करने वाले जो दल था, नाविक वगैरह, उन सभी ने अपने सामने जब अपनी डेथ को देखा उस समय उनकी क्या भावना थी, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन करना है। द ग्रुप ऑफ द, ध्यान से देखिएगा आंसर, अब मैं बताती हूँ। द ग्रुप ऑफ द वेजर्स कंसिस्टेड ऑफ द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, हिज डॉटर सू एंड सन जोनाथन। ये जो यात्रियों का जो समूह था वो उसमें उन नरेटर थे यानी कि कैप्टन, और उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी थी, उसका नेम था सू, और उनका एक बेटा था जोनाथन, उसका नेम था। इन एडिशन देयर वाज टू हाइड क्रूमैन, और इसके अलावा दो और भी व्यक्ति थे जो आगे मतलब कि लिए हुए किराए के नाविक थे, और एक था लैरी विगिल और दूसरे क्या थे, हार्वेस्ट सैकलर। ओके, दे फेस्ड द अलार्मिंग अटैक बाई हाई सी वेव्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और उन्होंने काफ़ी मतलब ऊंची समुद्री लहर का उन्होंने पहले हफ्ते, जनवरी के पहले हफ्ते में ऊंची लहर, समुद्र की ऊंची लहर का सामना किया। बहुत ही खतरनाक लहर थी ये, वो इन ऑर्डर टू फेस द स्टॉर्मी से दे स्लोड द बोट डाउन, ड्रॉप्ड द स्ट्रॉन्ग जीव, और उन्होंने इसका सामना करने के लिए उन्होंने अपनी बोट को धीमे कर दिया और अपने पाल को नीचे गिरा दिए। डबल द लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द बोट, और उन्होंने अपनी बोट पर जो भी चीज़ें मौजूद थी उन सभी चीज़ों को डबल दोहरी दोहरी बांध दी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रॉप्ड द स्ट्रॉन्ग जॉब, और हाँ, एंड देन वॉर देयर लाइफ जैकेट, और उन्होंने अपने लाइफ जैकेट को पहना, एंड अटैच्ड लाइफ लाइन, उससे जुड़ी जो लाइफ लाइन होती है उसको भी पहन लिया। एवन देन दैट इवनिंग देयर बोट्स ऑलमोस्ट सैंक, और उन्होंने देखा कि भाई शाम तक ना उनकी जो बोट है ना लगभग पानी से पूरी भर गई थी। द ऑथर वाज थ्रो ओवरबोर्ड, और जो कैप्टन थे वो बोट पर लहर के द्वारा फेंके जाते हैं। ही वॉज बैडली हर्ट, और बहुत बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। हिज डॉटर ऑल्सो सफर्ड पेनफुल इंजरीज, उनकी जो डॉटर थी, बेटी थी, वो बहुत ही दर्दनाक चोटों का जो दर्द होता है ना वो सहन कर रही थी। द डेक वर ब्रोकन, जो नाव का जो डेक था, डेक यानी नाव का आगे वाला हिस्सा, ठीक है, तो जो डेक था वो पूरी तरह से टूट गया था, मतलब बड़ी मुश्किल ऐसा टूटा था ना कि भाई अंदर पानी पानी आ रहा था। एंड वाटर फ्लूड डाउन ब्लो, और जो पानी था ना वो अंदर की ओर आता जा रहा था। मैरी क्राइड देन दे वर सिंकिंग, और जो उसकी वाइफ थी मैरी, उसने कहा कि भाई अब हम लोग डूब रहे हैं, हमारी नाव में ना पानी पानी हो गया है। बट ऑल द सिक्स पर्सन ऑन बोर्ड शोड रिमार्केबल गट्स एंड फोर बियरेंस, लैरी एंड हार्ड स्टार्टेड पंपिंग आउट टू वाटर। लेकिन उस नाव में जो भी छः व्यक्ति थे ना, उनका जो ऐसा जो धैर्य था, जो आशावादी, ये जो रहने का ये का जो भी भावना थी ना, इन सब की वजह से वो जो बोर थी वो बच जाती है। जो लैरी और हार्ब थे वो पंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पानी को जार से बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। द नरेटर फाउंड अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास टू रिपेयर द होल ऑन द डेक, और जो कैप्टन थे उन्होंने भी डेक को रिपेयर करने के लिए, डेक के होल को रिपेयर करने के लिए हथौड़ा ढूंढ लेते हैं, पेचकस ढूंढ लेते हैं, कैनवास ले आते हैं, कैनवास यानी कि पाल ले आते हैं। ही फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप आल्सो टू ड्रेन आउट टू वाटर, और उन्होंने देखा कि भाई उनके पास एक ऐसा चार्टरों में एक ऐसा इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ था जो पानी निकालने के उपयोग से बिल्कुल सही था, और फिर उन्होंने उस हैंडपम्प से निकाल लिया, उस इलेक्ट्रिक पंप से उन्होंने पानी को निकाल करके जो भी जहाज में भरा हुआ था ना उसको निकाल के समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, ही सेंड डिस्ट्रेस सिग्नल, उन्होंने मदद के लिए सिग्नल भी भेजे जो कि रिसीव नहीं हो पाए, बिल्कुल भी कोई भी मदद नहीं मिल पाई थी।
सूप और हर पेन क्विटली। और जो सू थी उनकी बेटी वो बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस कर रही थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था उसकी चोटों की वजह से, जोनाथन सेड ही। लेकिन जो सू थी उसने शांतिपूर्वक वो अपना दर्द सहन करी। तो उसने किसी से नहीं बताया भाई मेरे दर्द हो रहा है। इतनी मुश्किल समय में उसने अपनी मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं परेशान किया। जोनाथन जो कैप्टन का जो बेटा था उसने भी, जोनाथन सेड ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई प्रोवाइडेड दे वे आर ऑल टुगेदर। और जो और कैप्टन का जो बेटा था उसने भी कहा भाई हम नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते यदि आप सभी हमारे साथ हैं। देयर वर्क, देयर हार्ड वर्क, चेयरफुलनेस एंड ऑप्टिमाइसिस इन द फेस ऑफ डायस्टर हेल्प टू देम राइड आउट ऑफ द स्टॉर्म। और उनका जो कठिन मेहनत था, जो धैर्य था, जो आशावादी जो रहना था, यही सब चीज़ें थी जो उन्हें इस आपदा से बाहर निकालने में मदद करती है और इस जो समुद्री आंधी समुद्री तूफान से बचने में उनकी हेल्प करती है। और यही सारी चीज़ें थी जिस चीज़ की वजह से वो लोग बच जाते हैं, इतनी मुश्किल भरी यात्रा से वो लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं एक छोटे से द्वीप पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द एडवेंचरस एक्सपेडिशन बाई गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, व्हाट मैसेज डज इट गिव। और इसमें ये पूछा गया कि ये जो भाई गॉर्डन कुक थे और एलन ईस्ट थे, इन्होंने जो टाइटल रखा है इस स्टोरी का, जो भी टाइटल रखा है वो इसके बारे में बताइए और ये जो टाइटल है वो क्या आपको संदेश देता है। द टाइटल ऑफ द एडवेंचरस आंसर है अब हमारा, द टाइटल ऑफ द एडवेंचरस स्टोरी इज डीपली मूविंग। और ये स्टोरी का जो टाइटल है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरा मीनिंग देता है, यानी बहुत ही गहरी मीनिंग देता है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टाइटल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा मार्मिक टाइटल है एक तरह से बोले जाए तो। द वर्ड्स कम फ्रॉम द माउथ ऑफ द लिटिल 6-year-old बॉय जोनाथन। और ये जो शब्द थे ना वो 6 साल के छोटे से लड़के जिसका नेम था जोनाथन उसके मुँह से निकला हुआ था ये शब्द। दे वर ऑल इन ट्रबल, और उस समय वो सभी मुसीबत में थे। दे हैड ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड डिफीट, और उस समय वो लोग लगभग मतलब उन्हें लग रहा था अब हम लोग बस हार ही गए हैं। डेथ सीम्ड नियर एंड सर्टेन, और उन्होंने अचानक से वो लोग देखते हैं कि उनकी जो मौत है वो उनके आंखों के सामने है। द ब्रोकन बोट वॉज फिल्ड विद वाटर, उनकी जो टूटी नाव है वो पानी से भर जाती थी। और बट द वेदर डिड ऑल दे कुड टू सेव द बोट एंड आल्सो देमसेल्फ, लेकिन जो यात्री थे वो खुद को और अपनी बोट को बचाने में कोशिश कर रहे थे कि भाई मेरे किसी ना किसी तरह से मैं खुद को और अपनी बोट को बचा सकूं। सू द लिटिल डॉटर डिड नॉट कम्प्लेन ऑफ पेन इन हर हेड, और जो उनकी बेटी सू थी उसने भी कोई भी कंप्लेन नहीं की भाई मेरे चोट लगी है मुझे दवा पट्टी करो ऐसा कुछ करो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं परेशान किया, और क्योंकि वो जानती थी क्योंकि उनकी मम्मी पापा उन्हें इतनी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जब इससे बाहर निकल जाएंगे तो पक्का उनकी चोट पर वो लोग जरूर ध्यान देंगे। इस वजह से उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया अपने मम्मी पापा को। द क्रू मैन वर्क्ड मैन्युअली टू पंप आउट वाटर, और जो किराए के जो वो नाविक थे ना उन्होंने भी पागलों की तरह मेहनत करी, पागलों की तरह समझो जो जहाज में भरा हुआ पानी था ना उसको बाहर निकाला, समुद्र में फेंका। जोनाथन सेड वाज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ प्रोवाइडेड दे स्टेड टुगेदर, और जोनाथन भी उसने भी अपने पिता से कहा कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी साथ रहें। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एलेंस इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल ऑफ मैन करेज एंड ऑप्टिमाइज इन द फेस ऑफ अप्रोचिंग डेथ। जो इस स्टोरी का ये जो टाइटल है ना वो बहुत ही मतलब एक आदमी के साहस और उसके आशावादी होने का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उस समय उसके सामने उसकी मृत्यु थी इस वजह से बहुत ही अच्छा उदाहरण है। विल पावर और द स्पिरिट ऑफ मैन ऑफ्टन प्रूव्स स्ट्रॉन्गर देन एनी डेंजर, और जो इच्छा शक्ति और जो भावना होती है ना वो किसी भी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने में उसकी हेल्प करती है। ओके, द टाइटल डिस्प्लेस अ सक्सेस मंत्र, और जो ये टाइटल है वो एक सफलता का मंत्र दर्शाता है। यूनाइटेड वी, देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉर एवन माउंटेन्स यील्ड अ पाथ टू द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ मैन, बट द कंडीशन इज दैट दे स्टैंड यूनाइटेड। ये जो
कहा गया ना, इसका मतलब ये है कि एकता में अटूट शक्ति होती है। पहाड़ भी इंसान की अदम्य जज्बे को कह सकते हैं कि भाई पहाड़ भी इंसान के जो साहस होता है ना उसको भी रास्ता दे देता है। लेकिन शर्त यह होती है कि भाई वो लोग आपस में मिलकर रहें। तो कोई भी इंसान अगर साहस रखता है, उसके अंदर साहस है, तो वो उस बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी उसको रास्ता मिल जाता है। लेकिन उसको ये चीज़ होता है कि भाई एकता में शक्ति होती है ना, कहते हैं ना। तो यहीं से अब बस इतने ही हमारे आज के इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। और अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने भाई बहनों दोस्तों को भी पहुँचाइए ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।